अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शहबाज़ खान मोटो व्लॉग्स। तो गाइस अपन आज पूरा सेटअप कर लेके निकले, देखो हेलमेट भी है, माउंट वगैरह सब लगे हुआ है। आज फ़ोन अपने हाथ में नहीं है, आज माइक भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी सेटिंग रेडी हो गई अपनी। तो गाइस व्यू वगैरह कैसा आ रहा, फ़ोन का एंगल बराबर है नहीं है, ज़रा आप ना देखिए एक बार कमेंट्स में बोलो मेरे को, अगर एंगल ऐसा नहीं रखना है तो फिर कैसा रखना वो भी बोलो। मेरे हिसाब से तो बराबर है एंगल। ये ओल्ड सिटी की रौनक है भाई, हर जगह ट्रैफिक मिलती है अपने को। ट्रैफिक नहीं भी रही तो गाड़ियाँ वाले रोक देंगे, ट्रैफिक पीछे वो कर देते, जाम कर देते पूरी। लाइफ में फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ भाई हेलमेट, वो भी आप लोगों की वजह से पहन रहा हूँ। समझो आप लोगों का सपोर्ट वगैरह मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह एक आध अच्छी गाड़ी भी निकालेंगे अपन स्पोर्ट्स बाइक में। अभी देखे नहीं पहना भाई हेलमेट में, फर्स्ट टाइम पहना समझो आज, फर्स्ट टाइम वो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं ऐसे पहने। और गाइस देखो मैं सो एल बी नगर जा रहा हूँ नानी से मिलने, आज बहुत दिन हो गए भाई नानी से नहीं मिलते, लास्ट टाइम देखो एक महीना हो गया नानी जी घर पे थे हमारे वो टाइम पे। अब ऐसो नो हमारे मामा के पास रह रहे, तो मामा का घर एल बी नगर में, एल बी नगर जा रहा हूँ मैं उनसे मिलेंगे आज से, काफ़ी टाइम हो गया आने मिल गए। तो गाइस एंगल वगैरह कैसा दिख रहा, बराबर है फ़ोन का एंगल वगैरह। अब ये चौरसे के ना आगे बोलना, तो गाइस वो जो ऑडियो क्वालिटी है और अच्छी भी होती इसमें। ये मैं सो अभी क्या है मालूम, हेलमेट के ऊपर का गिलास अभी है सो बंद नहीं करा, गिलास बंद करा तो ऐसो थोड़े और बैकग्राउंड के जो वॉइस आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। मगर ये कैसा है चेक करने के वास्ते मैं ऐसो भी क्या है मालूम, ये ग्लास ऑन रखा भी इसका हेलमेट का, तो अपन बंकर के भी देखेंगे एक बार इसका कैसी रहेंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है एक बार देखना है अपने को भी। मैं भी ऐसा अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ समझो, अपने को खाली स्ट्रेट ही जाना है, बलवी नगर जाना है, एक ही रोड। ये नया ब्रिज वाला से है भाई, यहाँ पे वैसे हॉस्पिटल है राइट साइड पे, सिग्नल बंद है, सिग्नल खुलते कि निकलेंगे बंद। थोड़ा मौसम और थोड़ा अच्छा हुआ ना तो अपन यहाँ है मालूम है कहा वाटरफॉल पे जाएंगे अच्छे। अब वाटरफॉलों का भी किस्सा कैसा हो गया बोले तो, रेल में देख रहे वाटरफॉल रह रहा, अब अपना जो डैम पे जा रहे वो डैम पे वहाँ गए तो पानी नहीं रह रहा, पूरा सूखा सूखा मामला रह रहा वीडियो में, वो रील्स में लग रहा रहा, जाके देखे तो लग रहा रहा। तो वो कैसा रहता सीन बोले तो, जब बारिश होती ना, बारिश हुई तो पानी का भाव आता फॉल पे, अब बारिश ही नहीं हुई अपना जा रहे यहाँ तो वाटरफॉल था भाई, इसमें बोले तो अलग हो जाता मसला था। बारिश हुई तो वाटरफॉल रहेगा समझो भाई, बारिश अगर नहीं हुई तो फिर वाटरफॉल नहीं रहेगा। तो क्या है मालूम, ज़रा बारिश वगैरह भी हुई अच्छी एक आध बार दबा के बोले तो फिर अपन क्या है अच्छे वाटरफॉल की भी एक आध राउंड मारेंगे जाके। गाड़ी ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा हूँ मैं, पहले सो हेलमेट पहने हुआ हूँ मैं, साइडों के साइडा नहीं दिख रहे मेरे को, पहले हेलमेट पहने हुए अपन, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सामने का तो अच्छा बराबर दिख रहा समझो, चलाए जैसे काबिल तो है। ज़रा पहली बार पहन रहा ना भाई, उसका तो बड़ा थोड़ा मसला हो रहा समझो, इंशाल्लाह अल्लू अल्लू क्या है मालूम आदत हो जाएगी अपने को भी। गाड़ी की वॉशिंग वगैरह भी कराना है भाई, गाड़ी की बोलते वॉशिंग और सर्विसिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी गाड़ी की, इंशाल्लाह एक आध जरा एक दिन
गाड़ी निकाल के गाड़ी भी देना पड़ता, थोड़े माइनर काम आती है गाड़ी में करवा लिया तो लंबी लगा दी फिर मक्खन हो जाती है। भाई कौन सी गाड़ी है जी? गाइस अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में बोलो कौन सी गाड़ी है वो, मेरे को तो नहीं मालूम भाई, उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, उतनी नॉलेज नहीं है समझो बाइक्स में। गाइस ये देखो लेफ्ट साइड पे नर्सरी है पूरी, ये क्या है मालूम नर्सरी पे से झाड़ा वाड़ा लेके तुमने भी थोड़ा घर पे थोड़ा झाड़ा वाड़ा लगाए ना, घर पे भी क्या है मालूम फ्रेश ऑक्सीजन मिलता अपने को, ऑक्सीजन वगैरह भी लेना अपन फ्रेश अपने वास्ते बहुत फायदेमंद रहता। अरे देखो गाइस यहाँ पे फिर नया ब्रिज डाल के कन्फ्यूज़ कर दिया, किधर से जाना अपने, मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया, ये लास्ट टाइम आया था ब्रिजिश ने था ये, अब यहाँ पे फिर आए तो फिर नया ब्रिज कर लिया आ जाऊँगा। अब कहाँ से जाना है कि अपने को भी नहीं मालूम, तो इस बार अपन राइट से नहीं जाके लेफ्ट से तो ले लिए, थोड़ा स्ट्रेट जाके देखेंगे अब क्या करना है उसको। देख रहे गाइस डेवलपमेंट कैसा हुआ, कैसे बिल्डिंग बना रहे, ये तो मार्बल की तो शॉप बहुत पहले से है। यहाँ पे देखो थोड़ा रास्ता बंद है, नहीं जा सकते अपना गाँव, तो वापस पलट के दूसरे रास्ते से जाना पड़ता अपने को। नए वो पार्किंग है, वापस पलट के जाना पड़ता है, कहाँ सॉलिड आ रहे भाई बसा दो। ख्याल रखिए आप लोग का भी, मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा नानी के घर को, वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। तो गाइस मैं पहुँच गया हमारे नानी के घर के, यहाँ पे देखो भाई कितना सन्नाटा है, आखिरी साइलेंट है यहाँ पे मामला, पूरे रोड़ा देखो कैसे, हालांकि फिर रात में 7:30 ही छोड़े, अभी ट्रेन भी नहीं दी जा रोडों में, चिच्चे आ रहे हैं खाली एक वहाँ पे दूर से, अपना ओल्ड सिटी अच्छा है भाई, इससे तो रात के 3 बजे भी जाओ तुम्हारे को एनी टाइम कुछ भी हो जो भी होना है मिल जाता, नक्को अलबी नगर डेंजर है बहुत सन्नाटा हो गया यहाँ पे। तो गैस चलो फिर इंशाल्लाह देखेंगे अब यहाँ पे प्लान क्या बनता शाम के खाने का, वो देखेंगे अपन, देखे के बाद इंशाल्लाह अगर हुआ तो व्लॉग में ऐड करूँगा मैं। तो गाइस आज का शाम का डिनर अपना पिस्टा हाउस पे से दो, मगर यहाँ बैठ के नहीं खा रहे हैं, पार्सल घर को लेके जाके खा रहे हैं अपन, ये पिस्टा हाउस है देखो बॉस, ये है पिस्टा हाउस, वेटिंग में ठहरे हुआ मैं, पार्सल दिए हुए अभी आता अभी टाइम है, अभी आते कि लेके निकलना है अपने को यहाँ पे से, लॉबी एरिया है ये, बैठ सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर वगैरह देके करके, अच्छा दिखा मेरे को ये सिस्टम, अपने ओल्ड सिटी में नहीं रह सकता ऐसा, अपने कहने क्या है फुल गिच बिच मामला है, वहाँ पे नहीं रख सकते लगा ऐसा रखे बोला ना भाई, फिर बरखास पब्लिक पाना खा के थूकती फिर। तो गाइस आ गए अपन पिस्टा हाउस से वापस घर पे, अच्छा खासा दूर है भाई पिस्टा हाउस यहाँ पे से, यहाँ पे आखिरी साइलेंट सन्नाटा है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह गाइस फिर मिलेंगे अपना नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।